आयादी संधि की सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण। देखो, पहले नंबर पर आता है कि ए ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर अय हो जाता है और आगे जो स्वर आ रहा है इस अय में मिल जाता है। ने प्लस अनम नयनम, कवे प्लस ए कव्ये, हरे प्लस ए हरिये, शे प्लस अनम शयनम, हरे प्लस ए ही हर ये ही, चे प्लस अनम चयनम। ये हो गया। अब नंबर दो पर देखो कि ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ, और आगे जो स्वर आ रहा है ये औ में मिल जाएगा। पो प्लस अन है पावन है, भो प्लस अनम भावनम, विष्णो प्लस ई है विष्णवी है। नंबर तीन पर देखो, आई आई के बाद कोई भी स्वर आए तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा और आय जो स्वर आ रहा है आगे उसमें मिल जाएगा। जैसे गई प्लस अक है गायक है, नई प्लस अक है नायक है, सई प्लस अक है शायक है, गई प्लस अंति गायंती। अब नंबर चार पर देखिए कि औ औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा और ये आव इस आगे आने वाले स्वर में मिल जाएगा। भाउ प्लस उक है तो क्या बन गया, भावुक है। पऊ प्लस अक है पावक है। असौ प्लस अयम ऐसाव्यम। अग्नौ प्लस ई है अग्नावी है। बहु प्लस आयति भावयति और इंदौ प्लस उदिते इंदाउदित। तो ये अयादि संधि में ए ओ आई और औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका जो परिवर्तन हो रहा है आपको इन सारे उदाहरणों में बताया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, इनको ज़रूर ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।